एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसे ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिन्हें आपको कभी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। आप इन्हें गिफ्ट कर देते हैं, आपके घर में भी आपके घर से सुख समृद्धि शांति चली जाती है, विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आने लगती हैं, मंगल कार्य होना बंद हो जाते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं उनके बारे में आपको वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। साथ में ही आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। वीडियो लास्ट तक पूरा देखें दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अपने जीवन में हम निरंतर मतलब कभी किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई विवाह इत्यादि है, हम गिफ्ट देते ही रहते हैं। गिफ्ट का चलन आजकल बहुत है, पहले लिफाफे दिए जाते थे, अब गिफ्ट चल गए हैं। हम गिफ्ट में चीज़ें दे देते हैं और हम ये नहीं सोचते कि इनसे हमारा भी कोई नुकसान हो सकता है। हम तो बड़ा अच्छा सा आइटम देखकर लाते हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है, सामने वाले को पसंद आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है ये हमारे घर से सुख समृद्धि और शांति ले जाएगा, हमारे जीवन में भी ये समृद्धि के मार्ग रोक देगा, क्लेश बढ़ा सकता है हमारे जीवन में। दोस्तों, उसमें सबसे पहली चीज है माता माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो। कभी भी आपको इसे किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी जो कि धन की देवी है, हर एक को आवश्यकता होती है इनकी, हम इन्हें गिफ्ट के रूप में किसी को नहीं दे सकते। इससे आपका शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाता है, धन आगमन के आपके मार्ग बाधित हो जाते हैं। दीपावली पे आपने देखा होगा लोग चांदी के सिक्कों को लक्ष्मी गणेश जी बने हुए दान करते हैं, कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आप उन पे स्वास्तिक बना हुआ दान कर सकते हैं, आप उन पे ओम बना हुआ दान कर सकते हैं। दीपावली में विशेष रूप से हम चांदी के सिक्के जिन पे लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं उन्हें खरीद कर अपने घर में रखते हैं, अपने धन स्थान पर रखते हैं, जिससे कि निरंतर धन में वृद्धि होती रहे, माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिले। माँ गणेश भगवान की रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं, शुभ लाभ के कारक हैं और साथ में विघ्नों का नाश करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, माता माँ लक्ष्मी की मूर्ति को आप किसी को सिक्के को भी आप गिफ्ट करें और साथ में गणेश भगवान की भी, तो गणेश भगवान भी आपके घर में रिद्धि सिद्धि लाते हैं, विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो जब आप गणेश जी को आप उन्हें किसी को दान कर देते हैं तो इससे आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है, शांति चली जाती है, विघ्न बाधाएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं। तो लक्ष्मी गणेश जी के सिक्के या मूर्ति या किसी भी फॉर्म में आपको दान नहीं करना चाहिए। आपने किसी को दान कर दिया, उन्होंने ले जाकर उनके जरूरत का नहीं था तो उन्होंने यहाँ वहाँ रख दिया, या तो स्टोर वगैरह में डाल दिया या सजाने के लिए, या उन्होंने भी आगे गिफ्ट कर दिया, इससे आपका भाग्य बाधित हो जाता है, इससे आपका बुध ग्रह भी खराब होता है, साथ में शुक्र ग्रह भी खराब होता है। दोस्तों, तो ये दो मूर्तियां आप साथ में श्री यंत्र भी दोस्तों कभी भी किसी को दान मत कीजिए, क्योंकि श्री यंत्र महायंत्र है, यंत्र राज है, ये अपने घर में आप स्थापित कीजिए। आप किसी को गिफ्ट मत कीजिए, आप सलाह दे सकते हैं कि अपने लिए श्री यंत्र खरीद लीजिए, उसकी आराधना कीजिए, पर गिफ्ट मत करिए दोस्तों। अगली चीज है दोस्तों, आपको कभी भी किसी को घड़ी दान नहीं करनी चाहिए। घड़ी जो कि आपका समय बताती है, जो आपके समय को, मान लीजिए आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है और आपने किसी को घड़ी गिफ्ट कर दी, आपने अपना समय उसको दे दिया, अब उसका अगर बैड लक चल रहा है, उसके जीवन में जो बाधाएं चल रही हैं अब वो आपके जीवन में ट्रांसफर हो जाएंगी, आपके जीवन में आने लगेंगी। आप सोचेंगे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अब मेरे जीवन में अचानक से ये उतार चढ़ाव क्यों होने लगे हैं। दोस्तों, ये घड़ी के गिफ्ट करने से हो जाता है। घड़ी किसी को गिफ्ट ना करें, साथ में कभी भी किसी से घड़ी लेकर पहने भी नहीं, क्योंकि घड़ी आपकी कलाई पर बंधी रहती है, जो आपके धड़कन से जुड़ती है, आपके सुख और दुख से जुड़ती है। जब आप किसी और की घड़ी को अपने कलाई में धारण कर लेते हैं तो उसके सुख और दुख आपके सुख और दुख में आकर मिल जाते हैं और वो आपको परेशानियां पैदा करते हैं। तो कभी भी ना तो घड़ी को दान करें, क्योंकि लोगों की लोग कोई फंक्शन किया उसमें घड़ियां गिफ्ट दान कर दी, किसी को उपहार रूप देना है तो कुछ एक सुंदर सी वॉच खरीद लाए वो दान कर दी, नहीं करना चाहिए दोस्तों। इससे आपका भी दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, बुरा वक्त आपका शुरू होने लगता है। अगली चीज है दोस्तों, कभी भी आपको किसी को नुकीली चीजें जैसे छुरी कांटा है, कटलरी का सेट है, नहीं दान करना चाहिए।
ये भी आपके रिश्तों में खटास पैदा करता है। नुकीली चीजें हमेशा रिश्तों को काटने का काम करती हैं। तो आपके जीवन में भी आपके रिश्तों में कटाव आने लगता है, चीजें आपसे दूर जाने लगती हैं, चीजें आपकी रिश्तों में आपके मन मुटाव पैदा होने लगता है। तो कभी भी किसी को जो आप चाकू के सेट होते हैं वो दान मत की गिफ्ट मत करिए, कटलरी सेट मत गिफ्ट करिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें व्यक्ति खुद भी खरीद सकता है। आपको पसंद आई है तो आप उसको इमेज भेजिए, उससे कहिए कि आपको ये अच्छी लगी, आप अपने लिए ले सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों, कभी भी आपको अपने घर में जैसे पूजन की सामग्रियां हैं, पूजन के आपने बहुत सुंदर आपने थाली देखी है जिसमें दीपक वगैरह लगे हैं, वो भी मत दान कीजिए दोस्तों। ये भी आपके घर में सुख समृद्धि की आपको हानि कराती है, आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है। एक चीज और महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, आपको अपने घर में आपको कभी भी जो आप धन की कमी से आप जूझ रहे हैं तो हमेशा अपने घर में पानी को स्टोर करके रखिए, अपने किचन में, वो चाहे आप मिट्टी के मटके में भर के रखिए या स्टील के बर्तन में भर के रखिए, वो पानी आप अपने किचन में अपने उत्तर के कोने में जरूर एक पानी का बर्तन रखिए भर के। साथ में ही अगर आप भी बहुत धन हानि से जूझ रहे हैं तो पानी का भी दान आपको नहीं करना चाहिए। दान गिफ्ट कह सकते हैं आप, कोई आप किसी को जरूरत है आपसे, आपने वो पानी मांगा है और आपने वो पानी दे दिया, तो भी आपके जीवन में आपका चंद्रमा खराब हो जाता है और ये भी आपके लिए नुकसान का कारक बन जाता है दोस्तों। कांच की चीजें भी हम बहुत सारी, जैसे कांच के बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसमें एक होता है गुलाब का फूल, ये सॉरी कमल का फूल, कांच के बने हुए आपको मार्केट में कमल के फूल मिल जाते हैं, पिंक कलर के हैं, कलर के, ये भी आपको नहीं दान करने चाहिए, मतलब सॉरी गिफ्ट नहीं करने चाहिए। ये माता माँ लक्ष्मी का सिंबल है, कमल परी, गणेश जी, माता माँ लक्ष्मी, नारायण, सभी भगवानों का वास होता है, ये आपके घर में सुख समृद्धि लाता है। तो इसे लाकर अपने घर में स्थापित करिए, कमल के फूल को, पिंक कलर का होगा तो ये आपके भाग्य को और वृद्धि करेगा। लेकिन इसको गिफ्ट स्वरूप किसी को मत दीजिए, क्यों? क्योंकि ये माता माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, कमल जिस पे कमल वासिनी माता माँ लक्ष्मी विराजित होती हैं, गणपति गजानन भगवान को भी आपने देखा होगा कमल पर विराजित होते हुए। कमल एक हमारे अंतर्मन से एक, जिसको बोलते हैं आपको एक हमारी ऑरा को जो बहुत अधिक प्रभावित करता है कमल का फूल, इसलिए आपको इसको भी आपको गिफ्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर ये छोटी छोटी चीजें भी आप अपने जीवन में ध्यान रखते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत सारी आप समस्याओं से निजात पा जाते हैं। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि नवग्रह पर आधारित हैं, इन प्रयोगों को करने के लिए आपको ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है ना लग्न, इन्हें किसी भी राशि का व्यक्ति, लग्न का व्यक्ति इजीली कर सकता है। 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग इन प्रयोग करके अपनी मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और आपको क्लीन कर सकता है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, साथ में अपने रोगों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इन प्रयोगों को आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका लाभ आपको जल्दी मिलने लगेगा। 23 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है दोस्तों 1:30 से 2:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:39 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको केसर का टीका अपने नाभि पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर जरूर लगाना है, जिससे आज आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी, केतु आपका शांत होगा और आपके भी जीवन में धन आगमन के मार्ग मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको। आज का जादुई अक्षर है रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर आप कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे आप छोटी सफेद कागज की चिट पर रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रे को करेंगे। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इस संघ को लेकर अपने पास रख सकता है। एक व्हाइट कलर के पेपर पर आप हल्दी से 3 नंबर लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों
आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, आपको फीस देनी होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। कमेंट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं जो कि मैं संडे वाले दिन वीडियोज की कमेंट लेती हूँ, सॉरी कमेंट सेक्शन से आपके एक क्वेश्चन उठाती हूँ। तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, अपना एक क्वेश्चन वीडियो के नीचे ही आपको लिखना है, मेरे व्हाट्सएप पर आपको सेंड नहीं करना है दोस्तों। तो संडे वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन जो मैं लेती हूँ उसमें रेंडमली सेलेक्ट होने पर आपको वहाँ अपने क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। दोस्तों और भी किसी विषय के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।